नमस्कार साथियों, ये समय है कड़कड़ाती ठंड का। रात का टेम्परेचर आपके यहाँ 4 से 5 डिग्री से अगर नीचे जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं कि आपकी फसल में पाला पड़ सकता है। तो कई साथी अगर सोच रहे हैं कि पाला क्या होता है, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा कि पपीते को पाले से बचाने का देसी जुगाड़, तो उस देसी जुगाड़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप खेती में नए हैं और या आपके यहाँ नहीं पता कि पाले को क्या कहते हैं, तो पाले की स्थिति उसको बोलते हैं जब आपका रात का टेम्परेचर 4-5 डिग्री से नीचे जाता है, फ्रॉस्ट वाली कंडीशन है, ओस की बूंदें जब बर्फ की तरह जम जाती हैं आपके पत्तियों पर, आपके फूलों पर, उस स्थिति को हम बोलते हैं कि आपके यहाँ पाला पड़ गया है। तो पपीता भी उसमें से एक ऐसी फसल है जो बहुत ज्यादा एक पाले से उस पर असर पड़ता है, एक बहुत प्रोन है पाले फ्रॉस्ट कंडीशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि इस पपीते को आपको किस तरीके से पाले से बचाना है। तो ये मेरे साथ में आप जो देख रहे हैं धान की पराली है। इस धान की पराली को आप बहुत अच्छी तरीके से मल्चिंग के तौर पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस पपीते के पास हमने इसको रूट जोन क्या होता है, जो आपके लास्ट पत्ते आ रहे हैं किसी भी पौधे के, थोड़ा सा अगर आप क्लोजअप दिखाएं राहुल यहाँ, जो लास्ट पत्ता आपका आ रहा है उस लास्ट पत्ते तक आपका ये जो मल्चिंग है आपका पूरा कवर होना चाहिए। और जब आप ये मल्चिंग करते हैं और आप जब इसमें पानी देते हैं, हल्की सी एक मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, यानी जो वापसा वाली जो कंडीशन है, जो फोर्थ पिलर है नेचुरल फार्मिंग का, सॉइल एरेशन, कि उसमें 50% हवा है, 50% वेपर है, और जब आप इसमें जीवामृत देते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए अपने काम करना चालू कर देते हैं। तो उस स्थिति में ये जो मल्चिंग है एक तरीके से ब्लैंकेट का यानी कंबल का काम करता है और आपके पौधों को, आपके पपीते के पौधे को पाले से बचा कर रखता है। इसी तरीके से आपने अगर थंबनेल में जो देखा है वो क्लिपिंग, वो फोटो हमको हमारे एक मित्र हैं अभय जी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, उन्होंने मेरे को वीडियो और एक छोटा सा क्लिपिंग भेजा है। ये जो फोटो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं जिन्होंने अपने पपीते की फसल को धान की पराली से इस तरह से कवर किया हुआ है। और आप देख सकते हैं सारे पौधे किस तरीके से कवर्ड हैं। और जब आप इस तरह से आप उसको कवर करके रखते हैं तो कोई चांस नहीं है कि आपके पौधों पर पाले का कोई असर पड़ेगा। तो मैं अभय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये वीडियो हम तक भेजा है। तो साथियों, आपने देखा कि पराली जो है या किसी भी तरह की मल्चिंग है वो एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा देसी जुगाड़ है जिसके थ्रू आप अपने पपीते को पाले से बचा सकते हैं। इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।